कर्नाटक पुलिस ने आज बेंगलुरु में NAFL स्कूल में बम की झूठी धमकी के मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस सिलसिले में स्कूल से एक नाबालिग लड़के को उठाया और राज्य किशोर न्याय बोर्ड की हिरासत में सौंप दिया। बम की धमकी शुक्रवार को स्कूल की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि परिसर में 4 जेलेटिन की छड़ें रखी गई हैं, जो जल्द ही फट सकती हैं। पुलिस ने एक आईपी एड्रेस के जरिए लड़के का पता लगाया और जब पूछताछ की गई तो लड़के ने कहा कि उसने कुछ मौज मस्ती के लिए ऐसा किया है। उसने पुलिस को बताया कि उसे गूगल सर्च से स्कूल की आधिकारिक ईमेल आईडी मिली। बेंगलुरु अमृतहल्ली इलाके में स्वामी मंदिर में एक महिला को लात मारने, घसीटने और दंडों से पीटने का वीडियो व्यापक रूप से ऑनलाइन साझा किए जाने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने FIR दर्ज की। उत्तरजीवी हेमवती ने गुरुवार 4 जनवरी को अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि यह घटना 21 दिसंबर को हुई थी। पुलिस ने शुक्रवार 5 जनवरी को पुष्टि की कि आरोपी लक्ष्मी नरसिम्हा के धर्मदर्शी मुनिकृष्ण हैं। मुनिकृष्णा ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि महिला ने दावा किया कि भगवान वेंकटेश्वर उसके पति थे और वो गर्भगृह में मूर्ति के बगल में बैठना चाहती थी। जब उसकी मांग खारिज कर दी गई तो उसने कथित तौर पर पुजारी पर थूका, जिसके बाद उसे जाने के लिए कहा गया। उसने पुलिस को बताया कि महिला की बात नहीं मानने पर उसे पीटा गया और घसीटा गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा को अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने के लिए अभियान चलाना चाहिए। बोम्मई ने आज मैसूरु में 2 दिवसीय भाजपा SC मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक का उद्घाटन करने के बाद कहा, SC समुदाय हमारे सामाजिक समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। वे हमारी भारतीय अद्वितीय संस्कृति की नींव है, जो भारत को लंबा और ऊंचा रखता है। इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग खड़ा करता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री BC नागेश ने कहा कि बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में 2500 हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करेगी। उन्होंने आज मीडिया कर्मियों से कहा कि शिक्षकों की भर्ती SC और ST के लिए तय नए आरक्षण प्रतिशत के अनुसार होगी। 2500 पदों में से 250 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य BS येदियुरप्पा ने आज कहा कि केंद्रीय नेता 2 से 3 दिनों में कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला लेंगे। कस्बे में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेता राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर अंतिम निर्णय लेंगे। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में 150 सीटें जीतेगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। जोशी ने कहा, राहुल गांधी तिलक लगाकर और पूजा करके नाटक करते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो सिद्धारमैया के खिलाफ कार्रवाई करें। सिद्धारमैया की टिप्पणी से पता चलता है कि सिद्धारमैया और कांग्रेस कितने हिंदू विरोधी हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को चिकपेट टिकट के दावेदार यूसुफ शरीफ KGF बाबू को निष्कासित कर दिया, जो अपनी नाराजगी के साथ सार्वजनिक हो गए और कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 80 से अधिक सीटें नहीं जीतेगी। कर्नाटक कांग्रेस अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष के रहमान खान ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बाबू को निष्कासित कर दिया। शुक्रवार को 3 दिवसीय अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की रंगारंग शुरुआत हुई। साहित्यिक मिलन के संस्करण के अध्यक्ष डॉक्टर दोदारंगे गौड़ा को पुरसिद्धेश्वर मंदिर से सरोद जुलूस में निकाला गया। इस आयोजन की शुरुआत जिला मंत्री शिवराम हेब्बा, कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष महेश जोशी और अन्य लोगों द्वारा राष्ट्रीय कन्नड़ और सम्मेलन ध्वज फहराने के साथ हुई। केरल के चंडी थियम, चिलीपिली गोम्बे, कमसाले, कीलू कुदारे, डोलू कुनिथा और राज्य भर के अन्य लोक कलाकारों ने इस कार्यक्रम में उत्साह जोड़ा।